अपराधी ऐ शरीन तो मातका ही नहीं था वाजिर अपे आई आगे बालम पुता यागे दुआ दिल की आधे लास्ट तक केल वाजिर मट की हुआ दिल की वा अपे पूर्ण टे प्रपोज करने पुरवान दिखेला इति मां की वा पूर्ण बादी ना की ऐ मके अपे को हुंदा है अपे ये बोले कि नया देखा पावता नया ने ये वाला शरीन अपने नोदन ना भावल का नोदन ना गैंग वाला मेक को पूर्ण रक्का साधे बंद रहते ना उन लोगों ने मेहमान किन्हें कुंड रहते हैं ये मिनिस्टर अपने तक आशय नहीं है तो अपने ताता ये गुलाब गले पे नहीं गिरा ये मिनिस्टर अपने टोन ने मात्र कथा वाहला थी ना इतनी आशय नहीं है तो ये परन्तु परंपरा भी आई नहीं लेकिन वो लोग मगर प्रश्न दंग मम दवा कैम का अरेस्ट कर प्रश्न तीन दंगी पास चलो अभी अभी मुख अभी जब हसवेनो हम से पिस्सुद मित्र हम जब हम से कोह अपने वेला होता था ना खाम बोलना इतना पानी चली अरे इतने के मिस्टर मेरे अभी कोचर का आलेख ना मैं वेड़ा करना था है तब इतने दाम गिवा निकम पड़ी है नहीं हम उसे ला देना मित्र ने गया मांग को मत मित्र वैज्ञानिक कराने अरे इतने शेर मालू उनका वेड़ा बे एक रेटिंग अपने ग्राम देख नया मिस्टर मेरे हरी 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 मम्मा मनोज सर का कथा कर ला रामसला के पड़ी वैज्ञानिक ला देना उल्टा दिवसला इन्ना आपको मिस्टर मेरी लोए कथा की पा रखना किया नहीं दिन किसी में विनाशक सिद्ध नहीं नया नहीं अभी आप ये तीर ने विनाश करना नहीं मर तेरू का न बैग निराश मनोरे करना था नहीं किया मन निराश का कथा दिन मन आमदा तो तीन दिया हमने तो महत्या दंडवानी निराशा की हितवाल कार्य काम करे। एक बार राज्य निराशा मिठाड़ी हितान नोने, मिठाड़ी वाकर की में बैठा करने नोना। एक ऐसा महत्या, मान निराशा टे मेगे ने क्यों हुआ, थादीम में क्यों हुआ? एक बार निराशा पीलीगानी नया यहाँ पे किधर आपी का वरद दर्द किया ला। महत्या निराशा खबर दावत सरवर गल किसी में दिया तेरुं करने बे एक आगे है तिया या पीलीगर ने आदरे करना में कीला दुनो पितर है आज मटे मुनाद करने की अन्नी मां कीन मटे महत्या निराशा ने आदरे करना में कीला दिल कपाट में ही अंडे पागी अन्न दुआ हिमिन हिमिन तेरुं गल दिल बान अंकल
අංකල් මද මැදින් කියන්න ඕනේ නැහැ. සමාධි කියන්න. මේ එහෙම කොහොමද? ඉන්න බං අනුකම්පිට කතා කරන්න. අවම නිදි. ඊයේ තුගා ක්‍රෑ වෙලා ආවේ. මං කතා කරලා. එපා අංක. සමත් නැහැ. මං ඉන්නම් යන්නේ කිතිනකම්. මේ දවස්වල ප්‍රැක්ටිස් කරලා මහන්සිත් ඇතිනේ. ප්‍රැක්ටිස් නම් හවස් වෙනකොට ඉවරයි. ඒත් ඉතින් හැමදාම මොකක් හරි පාටියක් තියෙනවා. දන්නේ නැද්ද දැන් ලොකු ලොකු උදවිය ආශ්‍රය කරනකොට ඔවට නොගිහින් බැරුව ඇති. ඒත් අංකල් හැමදාම මේ විදිහට රැවෙන්න ගත්තොත් ඉස්සරහට හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අමාරු වෙයි නේද? ඒක නම් එහෙම තමයි. මඩම් ටිකක් කියලා බලන්නකො. එතකොට මේ තකාණියක්ම මඩම් මෙහි ආවේ මේ මට අනුපමත් එක ගමනක් යන්න තියෙනවා ක්‍රිකට් වල වැඩකට. මඩම් ලා අනුපම ස්පොන්සර් කරන්න ගත තීරණේ නම් ලুকু දෙයක්. නැත්නම් අපි ලুকু අමාරුවක වැටෙනවා. මගේ පෙන්ෂන් එකකින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ. महेश मैं अनुमान